Hello everyone, this is day 2 of our Zanskar trip. We are rolling towards Leh from Zanskar. This is like a total off-road we've got, I don't know until when. We left early morning, we thought we'll stop somewhere and have tea and snacks, but for past 40 kilometers we did not find anything. Luckily we found this place. This is called Chadar Restaurant. This is near Nerak, and we found this really great gentleman here. He has introduced us to this amazing tea. This is called, sir, kya bolte isko? Sir, wild rose tea, sir. This is mera naam Tashi Dorje hai. Ye wale ke bola. UT Ladakh ka Nerak ek village jagah se bahut remoteness se, aur ye jo hai wild rose tea hai, jungalon ka jo phool ka patta hota hai wo aur nahi bana rahe, wo phool ka patta jo hai isme dala jata hai. Okay, aur ye aaj se hazaron saal purane log jo hai, buzurg log jo ye peete the, fir abhi maine dobara ye shuru kar diya. Angrez log bahut pasand karte hai, abhi unko bahut acha lagta hai. Okay, isme kuch thoda bahut honi bhi dala jata hai, और वो साथ में चीनी भी डालता है, वो मर्जी होता है. ओके, चाहे होनी डाले, इससे जो है पेट खराब नहीं होते हैं. दूसरा जो है कुछ भी नहीं डालते, ऐसे ही रखते हैं. इसमें ये पीने के बाद जो है पेट को शांति होता है, और साथ में जो है सुंदरता पैदा होता है. और जो बुजुर्ग लोग जो है चाय पत्ती नहीं होते थे, इसी का पीते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कई सालों से ये यूज़ करो, हमारे बुजुर्ग लोग जो है ये पीते हैं. और ये कांटा जो है पूरा जंगलों में फैला होता है, जून के महीने में वो उतार के हम रखते हैं और वो पिलाया जाता है. Nice. तो इसलिए जो है ये फेमस टी है यहाँ का, लद्दाख का नेराक एक विलेज जगह है, यहीं पर मिलेगा या तो सिटी के अंदर मिल सकता है. Okay. तो इसको पीने के बाद जो है पेट का ज़रूर शांति होता है. तो इसलिए जो है मेरा एक मैसेज है कि पूरा हमारा जो गेस्ट लोग है ये चाय पिया जाए, और साथ साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, और बीमारी भी बहुत सारे जो है इससे दूर होता है. ये जड़ी बूटी है, और इसको जो है दवाई के रूप में भी डाला जाता है. तो मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि जो हमारे गेस्ट लोग आते हैं वो लोग बहुत लोग पीते हैं, तो उनको अभी अंग्रेज भी पी रहा है. देखिए आप खुद तो देख लीजिए. So this was a really life-saving spot for us. We couldn't find anything to drink, anything to eat. Sir has served us some really great parathas, onion aloo parathas and maggi. And yeah, thank you so much, sir, once again. Sir, thank you, sir. ये board मेरा लिखा हुआ. ये इनका restaurant है. In the middle of nowhere. This is in the middle of nowhere. आपको यहाँ इस तरफ भी कुछ नहीं मिलेगा, और उस तरफ भी कुछ नहीं मिलेगा. सो यू बेटर होल्ड योर एंड. और चादर के टाइम में जो है यहाँ पर देखे, चादर के टाइम में यहाँ ब्रिज है, इस ब्रिज के पास में अब आइए मैं दिखाता हूँ. यहाँ पर जो है एक बहुत ही मतलब झरना पानी सुंदर वाला है, वो जो है इस ब्रिज के पास चादर ट्रैक आते हैं लोग. चादर ट्रैक यही है? यही है. ओ, पूरे पूरे दुनिया जो है यहाँ आते हैं. ओके, यहाँ पर कल ही था, राफ्टिंग भी रोज आते हैं. ओके, चादर, ये फ्रोजन चादर ट्रैक होता है ना. इस नदी से जंस्कर रिवर बोलते हैं, इसके नाम जंस्कर की तरफ से आते हैं, तो जंस्कर रिवर है, बट ये लेह डिस्ट्रिक्ट का है. ओके, तो यहाँ पर जो कल भी राफ्टिंग पॉइंट है, ये यहाँ पर बना हुआ है, राफ्ट भी बहुत आते हैं. और चादर के टाइम में एक दिन में 300 आदमी आते हैं. सिंस 1984 में मैं बच्चे थे तब से फॉरेनर लोग बहुत आते थे. ओके, तो अभी तो इंडियन भी आने लग गया है. तो मैं सभी को वेलकम कर रहा हूँ कि चादर ट्रैक कीजिए, अपना एंजॉय कीजिए, और साथ में जो है राफ्टिंग पॉइंट है, राफ्ट भी करना चाहिए. एक ग्रैंड कैनियन यूएसए में है. yes. उससे ज्यादा सुंदरता ये है बोलता है जो लोग आते हैं. okay. तो फॉरेनर लोग आते हैं, एक टीम ने तीन तीन बार जो है चादर ट्रैक कर रहा है, तीन तीन बार राफ्ट कर रहा है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी जो हमारा गेस्ट है, ये एक यूनिक पॉइंट है. आप देखिए इस पहाड़ी को देखिए, यहाँ पर जो है एक मतलब राक्षस को मारा गया था, उसका जो है अंतड़ी फेंक दिया था गुरुजी ने, तो फेंका उसका निशाना, अंतड़ी का सारे निशाना है. अब उस पार में वो लाल लाल ऐसे ऐसे इकट्ठे हैं, वो जो है वो राक्षस का पार है. फिर राक्षस का जो है सिर ऊपर है, और राक्षस का दिल ऊपर है, जहाँ
जहाँ जहाँ राक्षस को मार के फेंक दिया वहाँ वहाँ निशाना पड़ गया है, वहाँ पर जो है पेनांग बोलते हैं पतली वाले जो एंटिटी है उस पहाड़ी के ऊपर छाप गया है। अच्छा, उसके ऊपर टॉप में स्काईलाइन में एक स्तूपा भी है, वो अभी नजर नहीं आ रहा। इस साइड में जो है एक अवालोकितेश्वरा का वो कुदरती एक स्तूपा है। तो हर बहुत चीज़ें हैं यहाँ ऊपर, जो है गांव है, गांव में जो है जोरनी पार है दुनिया भर के। इतना जो चंदन का बाई होता है वो जोरनी पार, वो हम पेड़ को नहीं काटते, उसको सेव करके रखा हुआ है। अच्छा, इतना बड़े बड़े लंबे लंबे है। तो मैं थैंक यू बोल रहा हूँ हमारा गेस्ट को, आप लोगों को यहाँ स्वागत किया है इस हमारा निराग का एक धरती को, जो लद्दाख के हिस्से को आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान के लोग जो है यहाँ पर आइए। पूरे दुनिया के जो है बहुत सारे सुंदरता है इस जगह को, जो है नंगा पहाड़ है, इसके भी बहुत सारे मल्लप है, मतलब जड़ी बूटी बहुत निकलता है। तो ये सारे देखने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, और भी आइए, वेलकम कर रहा हूँ मैं। लॉन्ग लाइफ, थैंक यू सो मच मेरा दोस्त लोगों को, स्वागत है। झूले, नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। राइट सर, झूले सर।